जानिया हानिया तू भी सिख कद दुख सुख बोलना तेरे बिन नहीं नहीं तेरे बिन तेरे दर दान यार तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। आंखें थी या कोई मैखाना उठी जो उनकी नजर मदहोश हुआ जमाना हर किसी को आस पीऊं बेबाकी से हर किसी को आस पीऊं बेबाकी से वो कैसी मैं थी जिसे भूला ना जमाना। सुल्तान बना देता है सुर रहमान मिला देता है सुर की याद में जलने वाले परवाने नादान नहीं। मोहम्मद से बेखबर होना अच्छा नहीं जो हुआ उससे बेखबर हुआ जमाना। वाह वाह वो आंखें थीं या गिन तारे लंग दिया रात सब पांव डंग दिया रात गिन गिन तारे लंग दिया रात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गोहर। नाज़रीन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे टैलेंट से करवाएंगे जिसकी आवाज़ आपको मदहोश कर देगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने सुना था कि आपकी आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो नाज़रीन देखने वाले हैं उनको आपकी आवाज़ सुनाई जाए। बस ये आपकी मेहरबानी है, आपका आपकी हुस्न समात है, तो मैं इस काबिल कहाँ? नहीं नहीं, ये आप इस काबिल हैं तो इस सीट पर बैठे हुए हैं जी। बड़ी मेहरबानी, आपने बुलाया, आपकी नवाजिश। चले इंटरव्यू हम बाद में करेंगे, पहले हमारे नाज़रीन को कोई अच्छा सा कलाम सुना दे ताकि जो देखने वाले हैं वो इस वीडियो के ऊपर रुक जाएंगे, भाई हमने पूरा प्रोग्राम देखना है। अपना शायराना कलाम सुना दूं कि गा के सुनाऊं? नहीं नहीं, गा के सुनाना है, सुना कुछ भी दें आप। प्यार नहीं है सुर से जिसको प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान ने प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान ने प्यार सुर से जिसको जग में अगर संगीत न होता कोई किसी का मेत न होता जग में अगर संगीत न होता कोई किसी का मेत न होता ये एहसान है सात सुरों का के दुनिया वीरान प्यार नहीं है सुर से जिसको अंतरा काबले गौर है सुर सुल्तान बना देता है सुर रहमान मिला देता है सुर सुल्तान बना देता है सुर रहमान मिला देता है सुर की आग में जलने वाले परवाने नादान नहीं प्यार नहीं है सुर प्यार नहीं है सुर जिसको। नाज़रीन खान साहब को गाना और ख़ास तौर पे क्लासिकल गाना इतना ही मुश्किल है जितना आप किसी समझ लें कि किसी शेर के मुंह में हाथ देना है, तो बड़े मतलब आराम से आपने मतलब
गाना भी सुना दिया है और प्रॉपर तरीके से जो जगह ली है आपने, जिस तरह से मुर्गियाँ लगाई हैं, प्रॉपर सीख रहे हैं या गॉड गिफ्टेड है? ये सीख रहा हूँ, कुछ गॉड गिफ्टेड होता है, ये कुनफा या कुन के मराहल हैं कि मालिक की अता है और जो करवाना होता है अपने बंदे से उसने वो पहले उसे दे के भेजता है, पहले उसकी अनायात में से इनाम होता है कि ये भाई करना है तुमने, अगर कुछ भी आपने करना हो, अगर कोई महाज पे जा रहा है, जंग पे जा रहा है तो उसके पास असला होगा तो फिर जाके करेगा ना, जंग लड़ेगा, तो ये भी एक जंग है, ये सुरों की जंग है, तो मालिक कायनात ने पहले ये सुर दिए हैं तो फिर उस्ताद का भी होना लाजिम है, ये पटियाला टैलेंट आपके अंदर होगा तो फिर वो उस्ताद उसको पॉलिश करेगा, उस्ताद उसको पॉलिश करेगा, हीरा होगा तो फिर उसके जो है तराशा जाएगा बराबर, तराश खराश में चमक आएगी, उसकी कीमत तभी बनेगी ना, उसे तराशने वाला हो, उसे बनाने वाला हो, तो जब ये आम सा पत्थर उठा के इसे वो शेप दे दी जाए तो ये हीरा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा है आपने, प्रॉपर सीखने के उस्ताद है। जी जी, ये उस्ताद रुस्तम फ़तेह अली खान साहब हैं, ये फ़तेह अली खान साहब के बेटे हैं और उन्हीं के शागिर्द हैं और मेरे उस्ताद हैं। इतने बड़े घराने के आप जो है ना शागिर्द हैं, तो आपकी ज़ाहिर है गायकी में सुर तो होगा, लाजमी होगा। मुझे बताइएगा कि एक सिर्फ क्लासिकली गाते हैं या जो आम आजकल गीत चल रहे हैं वो भी गा लेते हैं? ऐसे वो कोशिश करता हूँ आम गीत गाने की, तो ज़्यादा लगाओ क्लासिकल में ही है, ज़्यादा लगाओ क्लासिकल में है, वो जो आसान जो नीम क्लासिक है ना, गज़ल वगैरह गीत वगैरह, वो घर में से मुझे वो ना झुकतें होना शुरू हो जाती हैं, अब भाई रहने दो तो आपसे नहीं होगा ये तो वो ज़रा मुझे वो टेढ़ा चलने की जो है ना वो ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब यहाँ इस तरह होगा ये एक और जिसका शौक है, और सीधा सीधा चलना में वो मुझे मुश्किल होती है, ज़रा मुझे रियाजत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो करता हूँ कोशिश करता हूँ, मतलब मेरे सादे को भी आप क्लासिकल के अंदर स्टाइल में ले आते हैं? सादे को क्लासिकल में लाना जो है वो मुश्किल है, ठीक है, जो सादा किसी ने बंदिश बनाई है, किसी ने धुन बनाई है, वो वैसे ही अच्छी लगेगी, उसका हुस्न उसी में है। सही हो गया। और क्लासिक एक अलहदा चीज़ है, ये एक अलहदा रंग है, अलहदा हुस्न है, खूबसूरती है, ये दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता, ये अपनी अपनी पहचान आप रखते हैं। सर कभी अपनी रिकॉर्डिंग भी करवाई है या सिर्फ अभी तक ऐसे ही मतलब शौक शौक भी गा रहे हैं? जी शौक भी है और रिकॉर्डिंग इस पर करवाई हैं, तो इंशाल्लाह जल्द ही आपके सामने आएगी। ठीक हो गया। तो अपने ज़ाती कलाम है? ज़ाती कलाम जो हैं वो मैं लिखता हूँ, और बाकी जो कलाम है ना वो दूसरों के हैं जो रिकॉर्डिंग्स में हैं। यानी कि आप शायर भी हैं, डबल टैलेंटेड हैं। जी जी, ये हो नहीं सकता कि आप शायर हों और हम आपसे कलाम ना सुने कोई। जी मैं यही आपको बताना चाहता था कि मैं शायर भी हूँ, शायर प्लस सिंगर, और टू इन वन बल्कि टू इन थ्री कर लें। मैं किसी दौर में अपने स्कूल में कंपेयरिंग भी करता रहा हूँ। अच्छा। मुख्तलिफ टैलेंट है मुझ में जो अभी तक जाहिर नहीं हुए, किए नहीं हैं, तो आज मौका है, आज नाज़रीन को दिखा दें जो जो आपके अंदर है। मैं आपको अपना कलाम सुनाऊंगा, वो कवाली के टाइप में है कि जाए तो उसका पहले जो दोहा कहते हैं, उर्दू में दोहा कहते हैं, वो सुनाता हूँ। पत्थर को हीरा कतरे को कुलजम कर दिखाया, पत्थर को हीरा कतरे को कुलजम कर दिखाया, उनकी निगाह नाज ने कुछ अजब ही कर दिखाया, क्या कहने उस साकी के जिसने आंखों ही से पिलाया, क्या कहने उस साकी के जिसने आंखों ही से पिलाया, उठी जो एक नजर कहीं दाता कहीं गौस कहीं कलंदर कर दिखाया। तो कवाली के बोल हैं कुछ के वो आंखें ही थीं या कोई मैखाना, वो आंखें ही थीं या कोई मैखाना, उठी जो उनकी नजर मदहोश हुआ जमाना, वो आंखें ही थीं या कोई मैखाना, उठी जो उनकी नजर मदहोश हुआ जमाना, हर किसी को आस पीऊं बेबाकी से, हर किसी को आस पीऊं बेबाकी से, वो कैसी मैं थी जिसे भूला ना जमाना,
मुकरर हर किसी को आस थी यूं बेबाकी से, हर किसी को आस थी यूं बेबाकी से, हर किसी को आस पीऊं बेबाकी से, यानी हर किसी को जस्तजू है कि मैं बेडर हो, हर किसी को आस पीऊं बेबाकी से, वो कैसी मैं थी जिसे भूला ना जमाना, वो आंखें थीं या कोई मैखाना। अच्छा, काबिले गौर है कि इश्क़े मोहम्मद में रही न जन्नत की तलब, इश्क मोहम्मद में रही ना जन्नत की तलब, रहा डर जहन्नम का ना कोई फिक्रे ज़माना। इश्क मोहम्मद में रही ना जन्नत की तलब, रहा डर जहन्नम का ना कोई फिक्रे ज़माना, वो आंखें ही थीं या कोई मैखाना। इस आगे धमकी है कि शाने मोहम्मद से बेखबर होना अच्छा नहीं, जो गाफिल हैं जो बेखबर हैं, जो शाने मोहम्मद से बेखबर होना अच्छा नहीं, जो हुआ उससे बेखबर हुआ ज़माना, वो आँखें थीं या कोई मैखाना। और मकता है कि सब कुछ कह के फिर खामोश हो जाना कि नहीं छोड़ो, कि तनवीर खुद को कर गुम इश्क मोहम्मद में, तनवीर खुद को कर गुम इश्क मोहम्मद में, तनवीर खुद को कर गुम इश्क मोहम्मद में, राज खुला तो पागल पागल कहेगा ज़माना, वो आंखें थीं या कोई मैखाना। क्या बात है, क्या बात है। मैंने अक्सर ये सुना है कि लिखने के लिए जो है ना वो डूबना पड़ता है, डूबने से मुराद ये है कि कुछ मैं अल्फाज भी सोशल मीडिया है, कुछ नशा वगैरह करना पड़ता है, ये ज़रूरी है? नहीं जी, ये कुछ लोगों ने ये समझ लिया है, कुछ करते हैं जिनकी वजह से हम जैसे भी बदनाम हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, ठीक है वो उनकी अपनी तबाह है, अपनी सोच है, मर्जी है उनकी। मैं ना सिगरेट पीता हूँ ना चाय पीता हूँ, चाय भी कभी कभार कोई प्यार से दे दे तो मैं कहता हूँ भाई मैं पीता नहीं तो आपका दिल रखने के लिए। वैसे चाय वैसे कोई प्यार से बोला था, गुस्से से आज तक मैंने सोचा कोई किसी ने पिलाई हो। बस कहने का मतलब ये है कि मैं चाय से भी परहेज़ करता हूँ। अगर कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं और आप जैसे कि आप चाय का कह दें तो फिर इनकार नहीं हो सकता। मेरे जैसे ही खाने पीने को इनकार करने वाले जो है ना वो गौर सा फरमाते हैं, वो हम में से नहीं है। अच्छा, आपने मेरा मुस्तफ़ा फ़तेह अली ख़ान साहब मेरे बड़े फेवरेट हैं जी, तो उनका कोई कलाम याद है आपको, कुछ सुना सकते हैं? जी कोशिश करता हूँ। उनका है गिन गिन तारे लंग दिया रात, अगर गलती हो जाए तो मैं पहले संभाल लूंगा। बहुत अच्छा गा रहे हैं। गिन गिन तारे लंग दिया रात, सब पांव डंग दिया रात, गिन गिन तारे लंग दिया रात, सब पांव डंग दिया रात, गिन गिन तारे लंग दिया रात, और किते जान न देन, 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 अपने रंग विच रंग दिया रात, गिन गिन तारे लंग दिया रात, लंग दिया रात। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। नाज़रीन, ये वो कलाम है जब आपने मज़ा लेना हो ना, सुरूर कर लेना हो, तो लाइट बंद करके अकेले कमरे में हल्की सी आवाज़ में चला ले तो मेरे ख्याल का बंदा किसी और दुनिया में पहुंच जाता है। क्या कहने, ऐसे ही है, क्या बात है, ठीक है। और ख़ान साहब का जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं उनका, और मैं बहुत सुनता हूं उनको। उनकी एक गज़ल है, वो हैट हेट पंजाबी में बहुत कम लोगों को समझ आती, माए नहीं माए,
तो वो बहुत कम लोगों को समझ आती है कि ये मतलब क्या है, बहुत ही ठेठ पंजाबी है ना, लेकिन मेरी फेवरेट गज़ल है वो। मैं अक्सर जब भी मतलब उदास हो जाऊँ या वैसे भी मतलब दिल करे यार खान, तो मैं वो लगा लेता हूँ। और नुसरत खान साहब की जो है ना, मैं एक बहुत बड़ी बात जो मुझे शायद हो सकता है उन लोगों ने भी जो है नोट की हो, अपनी लाइफ में उन्होंने जितना भी कलाम पढ़ा है गाया है कोई ऐसा उन्होंने माठा कलाम चूज़ ही नहीं किया। अच्छी शायरी और उसके बाद कंपोजिशन, वो तो एंड है। अच्छा सर, जाते जाते हमारे नाज़रीन को कोई एक कलाम खान साहब का कोई और सुना दें, कोई एक। जाने खुदा नरमा बेरे सेवा कौन मेरा है, कदे ना हो ताने ना साथ मेरा जनिया जनिया हनिया तू भी सिख कद दुख सुख पालना तेरे बिन नहीं 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 तेरे बिन तेरे दान यार तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना 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 दिल तेनो दे बैठी खबर तू ऐसे करना बेपरवाया दिल तेनो दे बैठी खबर तू ऐसे करना बेपरवाया कीते वाद काया कसमा तेनू याद नाया अभी जाना सता वसता प्यार दा प्यासे लेना तिगर मेहरबानिया तेरे बिन नहीं नहीं तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। जी नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि इनसे अच्छा अभी तक मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो खान साहब को गाता हो। और जैसे मैंने पहली पिछली वीडियो में कहा था कि बंदा बेसुरा हो तो माफ़ है, बेताला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे आपको इनका टैलेंट कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी अपनी राय का इजहार करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।